नमस्कार, मैं हूं मुकेश कुमार और आप देख रहे हैं एसबीएन न्यूज। इस वक्त देश कोरोना वैश्विक महामारी से जहां परेशान है, वहीं दूसरा परेशानी अब यहां समस्तीपुर के नाजिदपुर में देखने को मिल रहा है, जहां पे पानी के लिए एक एक बूंद पानी के लिए लोग तरसते हैं, पानी उनको नहीं मिल रहा है। इस गाँव के अगल बगल के भी जो गाँव है, सभी का चापाकल पूरी तरह से सूख चुका है, पानी मिल नहीं पाता है। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे निजी समरसेबल से लोग पानी भर रहे हैं और काफ़ी दूर दूर से लोग आए हैं पानी भरने के लिए, और सभी एक दूसरे से, जिसे कहा जाता है कि मारामारी करना पानी के लिए, वही से यहाँ पे हो रहा है कि कहीं समरसेबल बंद ना हो जाए। पानी के लिए परेशान है पूरी तरह से, आप देख सकते हैं। और सभी लोग जल्दबाजी में पानी भर रहे हैं, कहीं फिर समरसेबल बंद ना हो जाए, फिर पानी मिल ना पाए। पानी के एक एक बूंद के लिए यहाँ पे तरस रही है लोग। तो आइए हम कुछ लोग से बात करने का भी प्रयास करते हैं, क्या सरकार की जो नल जल योजना है, क्या वो इस पंचायत में चालू है या नहीं है। कुछ लोग यहाँ पे हैं, उनसे भी हम बात करने का प्रयास करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं, सैकड़ों बाल्टी रखे हुए हैं, डब्बा रखे हुए हैं, सब आप देख सकते हैं। एक पाइप है और एक पाइप से ही सभी पानी भर रहे हैं। आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पे पानी भरा जा रहा है। एक पाइप और इतना सभी आदमी पानी के लिए पूरी तरह से परेशान है। लोग हैं, हम बात करने का प्रयास करेंगे। सुनिए चाचा जी, क्या नाम हुआ आपका? श्री नारायण। नज़दीक आइए थोड़ा सा। क्या नाम हुआ? श्री नारायण। श्री नारायण जी, पानी लेने के लिए आए? हाँ, पानी लेने। तो ये पानी जो आप ले रहे हैं, ये निजी समरसेबल से है? निजी से है। ये सरकार की तरफ से पानी चल रहा है? नहीं, सरकार की तरफ। यहाँ नल जल योजना नहीं चल रहा है? ना, अभी कहाँ चल रहा है। नहीं, सरकार की तरफ। यहाँ नल जल योजना नहीं चल रहा है? ना, अभी कहाँ चल रहा है। तो यहाँ पे नल जल योजना का पाइप और लगा था? आप लगा, हमें अभी सुविधा नहीं दिया। ना सुविधा नहीं दिया? ना, नहीं दिया। तो आप ये पानी के लिए वार्ड मेंबर से बात किया? वार्ड मेंबर भी परेशान है, वो भी नहीं दे रहा है। तो पानी जो है चापाकल पूरी तरह से सूख गया है? हाँ, चापाकल पूरी तरह। चापाकल में पानी नहीं आ रहा? नहीं आ रहा है। अच्छा अच्छा, तो आप देख रहे हैं कि चापाकल में पानी नहीं आ रहा है और जो पाइप लाइन है उससे भी पानी नहीं मिल रहा है। एक प्राइवेट समरसेबल है, उसके माध्यम से पानी यहाँ पे भरा जा रहा है। पानी का प्रयास करेंगे। देख सकते हैं आप सभी लोग यहाँ पे, सभी पानी भरने के लिए आए हुए हैं। सभी लोग पानी के लिए आए हुए हैं और पानी के लिए यहाँ पे हाथ और मचा हुआ पूरी तरह से पानी के लिए। क्या कहना चाहेंगे? नल जल योजना वाला जो पाँच रूप है, हाँ हाँ, इधर नहीं जा रहा है। हम लोग को नल जल योजना वाला जो पाँच रूप है, हाँ हाँ, इधर नहीं जा रहा है। हम लोग को नल जल योजना वाला पाइप नहीं कराया है। क्या नाम हुआ आपका? पंचायत? पंचायत नाजिरपुर। नाजिरपुर पंचायत नंबर वार्ड, आठ नंबर वार्ड, उजियारपुर बोलो। अच्छा अच्छा, तो आप यहाँ पे नल जल का पाइप नहीं लगा है? नल जल का सरकारी पानी नहीं मिल रहा है। तो आपने देखा कि तरीके से लोग परेशान है पानी के लिए। लोगों का कहना है कि नल जल योजना के माध्यम से जो पानी रहता है वो भी यहाँ पे नहीं लगा है। आइए कुछ लोग और बात करने का प्रयास करते हैं। जो ये जिनके समरसेबल से पानी सब लोग ले रहे हैं, उनसे भी हम बात करने का प्रयास करते हैं। अमरेश कुमार राम, पानी जो भरने के लिए लोग सब आ रहे हैं, आपका समरसेबल है? आपके समरसेबल से पानी भर रहे हैं और यहाँ पे जो सरकारी योजना के माध्यम से नल जल की योजना से पानी नहीं मिल रहा है? अभी नहीं चालू हुआ है। चालू नहीं हुआ है? पाइप लगा हुआ है? नहीं लगा है। नल जल योजना का नहीं मिल रहा। चापाकल में पानी यहाँ है क्या? नहीं, चापाकल सब फेल हो गया है। मोटर सब फेल हो गया, मोटर भी फेल हो गया, चापाकल पूरी तरह से सूख गया। तो ये आपका समरसेबल आपके माध्यम से पानी वितरण हुआ है? कब का पानी देते हैं आप? कब का पानी देते हैं? सुबह शाम देते हैं। कितना लोग यहाँ रोज आते हैं पानी के लिए आपके यहाँ? इतना गिनती रखते हैं जो आता है? 100, 200 ज़्यादा? कितना लोग यहाँ रोज आते हैं पानी के लिए आपके यहाँ? इतना गिनती रखते हैं जो आता है 100, 200 ज़्यादा? ज़्यादा, ज़्यादा 200 से भी ज़्यादा लोग यहाँ आते हैं आपके यहाँ पानी लेने के। तो ये आपने देखा, ये अपने तरफ से इनका समरसेबल है और 200 से ज़्यादा हर रोज़ व्यक्ति आते हैं यहाँ पानी लेने के लिए, जो इनका जो निजी समरसेबल है। सरकार की तरफ से कोई योजना नहीं मिला है यहाँ पे। तो है कुछ लोग और हैं और आप देख सकते हैं पानी के लिए सभी लोग परेशान हैं। पानी के लिए देखिए कुछ बूंद के लिए यहाँ पे आप देख सकते हैं कि तरीके से लोग पानी के लिए मारामारी कर रहे हैं, परेशान हो रहे हैं कि कहीं समरसेबल बंद ना हो जाए और पानी नहीं मिल पाए। कुछ और लोग हैं, उनसे भी बात करने का प्रयास करेंगे।
और ये सत्यनारायण सिंह कुशवाहा जी हैं, समाजसेवी, समाज सेवा से ये ज़्यादा रुचि रखते हैं। आइए इनसे बात करते हैं, क्या कहना चाहेंगे सर इस पर, जिस तरीके से लोग यहाँ पानी के लिए परेशान हैं। जिस तरीके से लोग परेशान हैं, हम तो यही कल जा रहे थे तो देखे थे कि बहुत समस्या है, जिसके चलते हम आए हैं कि समस्या कैसे समाधान हो, उसके लिए हम पहल कर रहे हैं। जो अभी आपके माध्यम से सरकार को और ब्लॉक पर जो भी SDO BDO हैं, सबको सूचित करना चाहते हैं कि जल्द से जल्द ये पानी का समस्या को समाधान करें। लॉकडाउन के स्थिति में लोग खाने के लिए मोहताज हैं और पानी भी नहीं मिलेगा तो लोग कैसे जिंदा रहेंगे। इसके चलते हम सब आदमी से आग्रह करेंगे कि जल्द से जल्द पानी का समस्या का समाधान। पानी सबसे बड़ा चीज़ है, अभी जिस तरीके से लॉकडाउन है, और लॉकडाउन में सरकार सभी लोग की अपील कर रहे हैं कि घर में रहिए, घर से बाहर मत निकलिए, लेकिन पानी का जो यहाँ पे समस्या है, लोग घर से बाहर निकलने के लिए मजबूर है, क्या कहना चाहेंगे? मजबूर, पानी ऐसा चीज़ है जो कि उसके लिए बिना कोई आदमी रह नहीं सकते हैं, इसके चलते मजबूरी में तो निकलना ही पड़ेगा। और यहाँ पर मैं सब किसान और मजदूर है, किसान और मजदूर को गाय का पानी देना है, खाना बनाना है, सब करना है, तो पानी की तो समस्या है, तो पानी तो लेना ही पड़ेगा ना। ठीक है, तो ये सत्यनारायण सिंह कुशवाहा है, और पानी सबसे बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है। आप खाना अगर एक दिन नहीं खाते हैं तो एक उपवास हो जाता है, लेकिन आप पानी एक दिन नहीं पिएंगे तो आप सोच सकते हैं पानी के बगैर ज़िंदगी में उनका क्या हाल होगा। आप देख सकते हैं किस तरीके से परेशान है यहाँ पे। आइए कुछ लोग और हैं यहाँ पे, हम उन लोगों से बात करते हैं। तो क्या नाम है आपका, कहाँ से आए हैं पानी लेने? यहाँ से अलग आपका घर हुआ, तो आप यहाँ जो पानी लेने के लिए आए हैं, चापा का सूख गया है क्या? नहीं है, कुछ नहीं, चापा पालर साल भर सिया मर रहे हैं पानी, साल भर सिया पानी गए। नहीं है, कुछ नहीं, चापा पालर साल भर सिया मर रहे हैं पानी, साल भर सिया पानी गए। एक साल से आप लोग यहीं आते हैं पानी लेने के लिए? एक साल से आते हैं पानी लेने के लिए। तो आप अपने मुखिया और वार्ड मेंबर से बात नहीं करते क्या? जो कुछ नहीं कोई कर रहा है, कोई कुछ नहीं कर रहा है, तो आपने देखा पानी के लिए पूरी तरह से परेशान है। और देखिए कुछ युवा साथी भी हैं, वो लोग भी पानी के लिए पूरी तरह से यहाँ पर परेशान है। देख सकते हैं किस तरीके से पानी के लिए हमारा मसला। क्या नाम है आपका? पप्पू कुमार जी। कहाँ घर हुआ? नादिरपुर। तो आप यहाँ पानी लेने के लिए आए हैं, आप अपने चापाकल पे क्यों नहीं पानी भरे? चापाकल सूखा हुआ है, सब फैल कर गया है। तो चापाकल पूरी तरह सूख गया, पूरा फैल कर गया, इतना समस्या हुआ है। सरकार का तो योजना है, नल योजना, वो इतना ना, पहले नंबर जो मुखिया वार्ड सब कोई नहीं इस पर ध्यान देता है, और पहला नंबर जो हम लोग निजी से पानी भरते हैं, निजी सड़क पर भी है, उससे हम लोग पानी भरते हैं, हमें इस्तेमाल की और पंचायत का सभी चापा कल सूख गया। यहाँ पंचायत का करीबन 50% से 75% यहाँ पर सूखा हुआ है। तो इसका जानकारी आप ब्लॉक में दिए हैं क्या? हम लोग नहीं क्या है, छोटा मुखिया क्या है, वार्ड नंबर क्या है, पंचायत का नंबर क्या है, हम लोग को पता नहीं। अच्छा, ये आपने सुना कि ये चापा कल है, यहाँ से आप देख सकते हैं, और चापाकल पानी नहीं रहने के वजह से, आप आइए आप देख सकते हैं ये चापाकल है, और पानी रही नहीं आने के वजह से बरसों से ये खराब पड़ा हुआ है, बरसों से ये खराब पड़ा हुआ है। देख रहे हैं ये चापाकल है, लोग मजबूर हैं, निजी समरसेबुल से पानी ले रहे हैं, ये देख रहे हैं सरकारी चापाकल लगता है यहाँ पे, और ये पूरी तरह से सूखा हुआ है, सालों से सूखा हुआ पड़ा है, और लोगों का यहाँ पे कहना है कि हम एक साल से इसी जगह पे पानी लेने के लिए आ रहे हैं, और यहाँ पानी का स्तर साफ कम है। तो मैं एक बात आप लोगों को बता दूँ, सरकार जिन्होंने घोषणा किया था नल जल योजना के बारे में, नल जल योजना के लिए जो कहा था, अगर नल जल योजना अगर धरातल पर आता तो शायद आज ये दिन देखने को नहीं मिलता। अगर नल जल योजना धरातल पर रहता तो शायद आज ये लोग जो पानी के लिए भटक रहे हैं, ये आज ये दिन देखने को नहीं मिलता। कैमरामैन विकास, HBO न्यूज़, समस्तीपुर।